तो हेलो दोस्तों, लौट आया हूँ और एक नई वीडियो के साथ। आप मेरे मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं, मैं एक साथ एक ही मोबाइल में दो दो व्हाट्सएप को प्ले कर रहा हूँ। ये रहा मेरा पहला वाला आईडी, ये रहा मेरा दूसरा वाला आईडी। मतलब मैं एक ही टाइम में एक ही मोबाइल में एक साथ दो दो सोशल मीडिया ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। जो जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो मैं एक साथ दो दो अकाउंट को प्ले कर सकता हूँ, जस्ट चुटकी बजा के एक ही टाइम पे। कैसे ज़रूर बताऊंगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक ही टाइम में एक ही मोबाइल में दो दो सोशल मीडिया को एक्टिव कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को कोई स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे ये प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आप कैसे एक ही मोबाइल में दो दो सोशल मीडिया को एक ही साथ एक्टिव कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सोशल मीडिया ऐप को क्लोन करने के लिए आपके मोबाइल की जो सेटिंग है, सेटिंग में क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आपको शो होगा ऐप क्लोनर। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो जो सोशल मीडिया इंस्टॉल है सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसमें से किसी को भी क्लोन कर सकते हैं बहुत आसानी से एक मिनट के अंदर। अगर आपके मोबाइल में ये ऑप्शन शो नहीं करता है तो आप अपने सेटिंग में जाइए, वहाँ पे सिंपली टाइप कीजिए ऐप क्लोनर। देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ऐप क्लोनर। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे ऐप क्लोनर करके ओके करेंगे तो आप डायरेक्टली वो ऑप्शन में इंटर हो जाएंगे। अभी आप यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया को क्लोन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को क्लोन करने के लिए व्हाट्सएप को क्लिक करता हूँ। ये जो ऑप्शन है इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद आपको शो होगा कि आपके व्हाट्सएप सेकंड जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन में इंस्टॉल हो चुका है। अभी आप यहाँ से बैक कर लीजिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका सेकंड व्हाट्सएप आइकॉन क्रिएट हो चुका है। अभी आपको सेकंड जो व्हाट्सएप है उस अकाउंट को क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के लिए इस आइकॉन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर से आप क्रिएट करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करना है, ओके करना है। फिर जो ओटीपी आएगा उसको एंटर करना है, एंटर करने के बाद ओके करना है। यहाँ पे परमिशन अलाउ करना होगा, अलाउ कर दीजिए। उसके बाद कोई भी नाम आप टाइप कर लीजिए, आपकी पसंद की कोई भी नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैं लिखता हूँ माई न्यू अकाउंट, के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप किसी को भी चैट कर सकते हैं। आपके मोबाइल में जो जो नंबर है वो सब नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। आप किसी के साथ यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं दूसरी व्हाट्सएप अकाउंट के नंबर से। तो अभी आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स की मदद से किसी भी सोशल मीडिया को क्लोन कीजिए और दो दो सोशल मीडिया पे चैट करते रहिए।